अनमोल पत्थर। एक बार की बात है, एक बुढ़ी महिला हिमालय के पहाड़ों से गुजर रही थी। रास्ते में उसे एक कीमती पत्थर मिला। उसने पत्थर को उठाकर अपने बैग में रख लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। अगले दिन रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो बहुत भूखा था। बुढ़ी महिला को देखकर आदमी ने भोजन मांगा। उसने उस आदमी को खाना देने के लिए अपना बैग खोला। जब उसने अपना बैग खोला तो आदमी ने बैग में उस कीमती पत्थर को देखा। आदमी उस कीमती पत्थर को पाना चाहता था, इसलिए उसने उसे वह पत्थर देने के लिए कहा। बूढ़ी महिला ने उस पत्थर को बिना किसी हिचकिचाहट दे दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। भूखा आदमी उस कीमती पत्थर को पाकर बहुत खुश हुआ। वह जानता था कि उस पत्थर से उसे कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और पत्थर ने उसे जीवन भर के लिए सुरक्षा देगी। लेकिन कुछ दिनों बाद आदमी उस कीमती पत्थर के साथ पहाड़ पर लौट आया। उसने उस पत्थर को वापस करने के लिए बूढ़ी महिला की तलाश की। कुछ खोज के बाद उसने बूढ़ी महिला को पाया। फिर वह उसके पास गया और कहा, मुझे यह कीमती पत्थर देने के लिए धन्यवाद, लेकिन आज मैं तुम्हें कीमती पत्थर को वापस करने के लिए आया था, इस उम्मीद के साथ कि तुम मुझे कुछ और भी कीमती चीज़ दे सकते हो। आपके भीतर क्या है वह मुझे दीजिए, क्योंकि आप बिना किसी हिचकिचाहट उस कीमती पत्थर को मुझे दे दिया। आप बहुत ही अच्छी महिला हैं। नैतिक शिक्षा। जो दूसरों के लिए सोचते हैं, भगवान उसके लिए सोचते हैं।